Assalamu alaikum beautiful people hope everybody will be fine today in this video we will solve 2018 btech indian test paper of manu university with explanation in english and hindi because many students have problem with urdu language in this examination so this problem will be solved because we will solve the questions by translating urdu language to english and hindi and students i have discussed previous years btech intense test papers in previous videos link given in the description so students if this video is helpful for you then please support to my channel more and more so let's solve the questions students here we solve the questions from 51 to 100 the remaining question from 1 to 50 we will discuss in the next video सो so, फिफ्टी वन इज मुंदरजा जेल में से कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रहनुमाई की अक्सी करता है यानी विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द गाइडेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के गाइडेंस को रिफ्लेक्ट कौन करता है होमजीनिटी ऑफ टाइम तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है इनमें से कौन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा SI यूनिट है तो आप जानते होंगे ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है कैंडेला होता है तो ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट है टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की सूरत में मौजूद एक्सीशन को अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर तब्दील किया जाए तो डैश के बराबर है यानी टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे टू किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे टेन टू पावर फ़ाइव से मल्टीप्लाई करेंगे आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे वन आवर में क्या होता है थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड होता है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड यानी टू इंटू टेन टू द पावर फाइव बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड तो थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स फोर ज़ीरो आएँगे टेन टू दावर फोर हो जाएगा तो टेन टू द पावर फोर से टेन टाइम्स में ये कटा तो ऊपर कितना आएगा ट्वेंटी नीचे कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स का स्क्वायर यानी वन टू नाइन सिक्स तो ट्वेंटी बाई वन टू नाइन सिक्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो वन फाइव फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है एक टावर जो बिल्कुल हमवार सतह पर खड़ा है केस आय की लंबाई फिफ्टी मीटर पाई गई जब सूरज का एल्टीट्यूड थर्टी डिग्री था यानी जब ये सिक्सटी डिग्री पर खड़ा था दिए गए अकदार की बिना पर टावर की लंबाई क्या हो सकती है बताएं। यानी एक टावर है जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे स्टैंड है एंड टावर के सैडो की लेंथ फिफ्टी मीटर है जब सन का एल्टीट्यूड थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री होता है तब हमें टावर की लंबाई का वैल्यू निकालना है क्या होगा यानी इसको फिगर बना के समझेंगे जैसे एक टावर था यहाँ पे तो सन का अल्टीट्यूड जब थर्टी डिग्री पे था तो यहाँ पे बन रहा था सैडो फिर सिक्सटी डिग्री हुआ तो यहाँ पे थर्टी डिग्री से जो सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पे जो सैडो बन रहा है टावर का ये दोनों एल्टीचूड के बीच में यानी फिफ्टी मीटर तो हम क्या करेंगे ये सिक्सटी है ये थर्टी है अगर इसको हम एच मानते हैं टावर की हाइट एच मीटर तो ये कितना हो जाएगा अगर हम टेन लगाते हैं तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू कितना होगा टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री तो कितना हो जाएगा ये एच बाई रूट थ्री आ जाएगा तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा फिफ्टी मीटर प्लस एच बाई रूट थ्री तो पूरे टेंगल में लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस तो क्या हो जाएगा एच बाई एच बाई रूट थ्री प्लस फिफ्टी इक्वल टू क्या होगा टेन थर्टी डिग्री टेन थर्टी क्या होता है वन बाई रूट थ्री फिर इसको क्रॉस करेंगे कितना आ जाएगा रूट थ्री एच इक्वल टू ये सेम रहेगा कितना हो जाएगा रूट थ्री एच इक्वल टू तो इक्वल में क्या आएगा एच बाई रूट थ्री प्लस फिफ्टी फिर एच बाई रूट थ्री को इधर ट्रांसफर करेंगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा टू एच बाई रूट थ्री इक्वल टू फिफ्टी टू से कैंसिल होगा कितना आएगा यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को फिर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव रूट थ्री ये हाइट होगा टावर का तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला क्या है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते होंगे क्या होता है फॉर्मूला एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो जी का क्या हो जाएगा डायमेंसन एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू एफ का आप जानते होंगे फोर्स का एम एल तीन बॉस टू फिर आर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर फिर नीचे क्या होगा मास का एम हो जाएगा इन एम हो जाएगा एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ पे जो एम है ऊपर आएगा क्या होगा एम इन वर्स वन ये एल मिल के क्या होगा एल क्यूब टीन बस टू यानी एम इन वर्स एल क्यूब टीन बस टू होगा यानी डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है इनमें से कौन डायमेंशनल कॉन्सटेंट है तो डायमेंशनल कॉन्सटेंट आप जानते होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कहते हैं नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक एरर डैश है तो सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं हम पर्सनल एरर को तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन जिसको फोर हंड्रेड वोल्ट्स की पोटेंशियल के ज़रिए एक्सीट किया गया कि डिब्रोगली वेव लेंथ क्या है यानी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका फोर हंड्रेड वोल्ट पोटेंशियल है इसको एक्सिलरेट किया गया तो इसका डिब्रोगली वेव क्या होगा तो आप जानते होंगे जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलेट करता हो तो डिब्रोगली वेब निकालने का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वोल्ट के टर्म में पोटेंशियल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे अगर एनर्जी गिवन रहता तो यहाँ पे एनर्जी लेते तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एच का वैल्यू क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू दी माइनस थर्टी फोर सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू द माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिवेन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन के जी फिर क्या लेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कोलम फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना गिवेन है फोर हंड्रेड तो इंटू फोर हंड्रेड करेंगे ये सब कहाँ है रूट अंडर में है फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स एंगोस्ट्रम तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा आप इसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा अगर सॉल्व नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी कई सौ किलोमीटर से चल रही है ऐसे सूरत हाल को क्या कह सकते हैं यानी ए ट्रेन इज रनिंग सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड तो कोई ट्रेन रनिंग कर रहा है कुछ हंड्रेड किलोमीटर्स तो किसके एस्पेक्ट में कर रहा है स्पेस के एस्पेक्ट में तो इसे हम क्या कहते हैं एन ऑब्जेक्ट अंडर एब्सोल्यूट मोशन तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन मोशन कब कहेंगे जब इस पर फोर्स का एप्लीकेशन होगा मगर यहाँ पे क्या हो रहा है स्पेस के एस्पेक्ट में मोशन है नेक्स्ट है एक पार्टिकल जो वन डायमेंशनल मोशन में चल रही है के बारे में मुंदरजा जेल में से कौन जुमला सही है यानी ए पार्टिकल मूव इन वन डायमेंशनल मोशन देन विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर वन डायमेंशनल मोशन तो आप जानते होंगे जब कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में हो तो उसमें क्या होता है स्पीड जो होता है किसी भी इंस्टेंट पे जीरो होता है एंड एसिलेशन में भी ज़ीरो हो सकता है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट है मुंदरजा जेल में से कोई अम्ल राइट हैंड स्क्रू रूल के मुताबिक है यानी विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल तो आप जानते होंगे वेक्टर में जो रोटेशनल इफेक्ट होता है वो राइट हैंड स्क्यू रूल पे बेस्ड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्जियल वेक्टर हो जाएगा क्योंकि एक्जियल वेक्टर क्या होता है रोटेशनल इफेक्ट होता है जो एक्ट होता है एक्सेज ऑफ रोटेशन के लॉन्ग इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्यू रूल तो ये करेक्ट होगा नेक्स्ट है एम जीरो एल जीरो टीन वन डैश के लिए एक मिसाल है यानी ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है तो आप जानते होंगे एम जीरो एल जीरो का मतलब क्या हुआ वन इंटू वन एंड t वर्स वन का मतलब क्या है वन बाई टी तो वन बाई टी किस में आता है वन बाई टाइम ये फ्रिक्वेंसी में आता है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के ड्राइवर ने रास्ते में अचानक एक ब्रॉड वॉल देखा इस सूरत में ड्राइवर को क्या कर लेना चाहिए यानी एक मोटर व्हीकल ड्राइवर है रास्ते में सडनली उसको एक ब्रॉड वॉल नज़र आया तो उसे क्या करना चाहिए ब्रेक लगाना चाहिए या टर्न करना चाहिए या जंप करना चाहिए कार को तो उसे सडनली व्हीकल को टर्न करना चाहिए दूसरे डायरेक्शन में ताकि एक्सीडेंट से बच जाए तो ये होगा नेक्स्ट है मुंदरजा जेल में तैराकी किस एक की मिसाल है यानी जो स्विमिंग पूल में स्विमर स्विम करते हैं वो किस लॉ पे बेस्ड होता है तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होता है क्योंकि आप देखे होंगे स्विमिंग पूल में स्विमर क्या करता है अपने आप को ऊपर रखने के लिए पानी को क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है जिससे वो उसका मोशन आगे की तरफ होता है तो ये थर्ड लॉ पे बेस्ड है क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है मंदरजा जेल में से कौन सी काइनेटिक फिक्शन बहुत कम है यानी ये जितने भी एग्जाम्पल दिए मैं सब काइनेटिक फिक्शन के हैं तो सबसे कम काइनेटिक फिक्शन किस में होता है रोलिंग फिक्शन में होता है नेक्स्ट है जब कोई चीज़ ग्रेविटी की वजह से फ्रीली गिर रही हो इस सूरत में वर्कडन बाय द ग्रेविटी क्या होगी यानि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ हाइट होगा ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा तो क्या हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी एम जो क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ये क्या आएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट है एक शय जिसका वज़न पाँच किलो है का फाइव हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो यहाँ पे मोमेंटम गिवेन है एंड मास गिवेन है तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ मोमेंटम का स्क्वायर बाय मास जब मोमेंटम गिवेन हो तो मोमेंटम यहाँ पे कितना है 500 हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 500 हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड भाई मास्क कितना है फाइव के जी तो फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा टेन तो टेन से एक जीरो कैंसिल तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जूल आएगा साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर फोर जूल होगा नेक्स्ट है मंदरजा जेल में से कौन कंज़र्वेटिव फ़ोर्स नहीं है यानी इसमें से कौन सा फोर्स नॉन कंज़र्वेटिव फोर्स है तो नॉन कंज़र्वेटिव फ़ोर्स क्या होता force force तो है फिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन डैश की मिसाल है यानी एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज़ तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कोलिजन नहीं होता इसमें क्या होता है पेनिट्रेशन होता है तो यहाँ पे देख लीजिए कोलिजन बिटवीन टू वे ये नहीं होगा ए बुलेट फायर इन टू ए वुडन ब्लॉक तो ये हो सकता है क्योंकि जब बुलेट को फायर करेंगे तो वुडन ब्लॉक में क्या होगा ये पेनिट्रेट कर देगा इसमें कोई कोलाइड नहीं होगा तो ये हो सकता है इन इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट्स आपसे एक शिकायत है बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करते हैं मगर चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं आप जानते होंगे आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ ये क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है ऐसा मुश्किल से ही कहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगा अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए रियली मेहनत करता हूँ तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें नेक्स्ट है ईवेन कार्नोट इंजन सौ फ़ीसद कारगर साबित नहीं होता क्योंकि हम डैश नहीं कर सकते यानी इवेन कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव हंड्रेड परसेंट इफ़िशेंसी बिकॉज वी कैन नॉट रीच द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है अगर किसी पार्टिकल जो सिंपल हारमोनिक मोशन में है के ऑसिलेशन की तादाद यानी फ्रिक्वेंसी एन के बराबर है इस सूरत में एनर्जी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी यानी एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है एन उसके ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी एन गिवेन है तो हमें फ़ाइंड करना है ऑसिलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है टू टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी टू एन हो जाएगा नेक्स्ट है मंदरजा जेल में से कौन सा बयान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से सही है यानी विच ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आप जानते होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एंड एसिलेशन क्या होता है कांस्टेंटली चेंज होता रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एसिलेशन इज चेंजेस तो ये करेक्ट होगा नेक्स्ट है जब एक गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में गोल चल रही हो और इनर्शियल फ्रेम में गाड़ी पर तमाम फोर्सेज का नतीजा डैश होगा यानी वेन ए वकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक देन रिजल्टेंट ऑफ टोटल फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम इज एक्ट टू तो क्या हो जाएगा टोटल फोर्सेज का रिजल्टेंट इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा द सेंटर एक्ट करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है फ़िज़िकल क्वांटिटीज जिसमें एक ही डायमेंशन के दो मकदार यानी क्वांटिटीज का तनासिब यानि रेशियो है मंदरजा जेल में से कौन सा बयान सही है यानी इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी ऑफ ए डायमेंशन इज़ तो टू सेम क्वांटिटी का रेशियो क्या आता है डायमेंसन लेस आता है आप जानते होंगे नेक्स्ट है अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट है तो सेवेंटी सिक्स नंबर है मंदरजा जेल में कौन से अमल में रेडियो एक्टिविटी को माकबल तारीख़ के अहद के चीज़ों का ज़माना जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कौन सा प्रोसेस फ्यूल और ऑर्गेनिक मटेरियल के पीरियड को जानने के लिए यूज़ किया जाता है तो आप जानते होंगे कोई भी एनशियट ऑर्गेनिक मटेरियल या फसील फ्यूल के पीरियड को जानने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है इनमें से डैश कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सेकेराइड्स होता है सेक्राइड्स का मतलब क्या होता है शुगर तो यहाँ पे शुगर क्या है कैन शुगर इज़ ए टाइप ऑफ डाई सेकेराइड्स नेक्स्ट है कौन सी रियासत में आयरन और की मौजूदगी कसरत से पाई जाती है रियासत कहते हैं स्टेट को यानी इन विच स्टेट द आयरन और फाउंड मोर यहाँ पे ऑप्शन में क्या होना चाहिए था स्टेट्स का नाम तो यहाँ पे आयरन ओर्स गिवेन है तो सबसे ज़्यादा आयरन और उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है ये याद रखिएगा नेक्स्ट है कमर्शियल नाइट्रिक एसिड की रंगीनियत इसमें डैश की मौजूदगी की वजह से पाई जाती है कलर ऑफ कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कॉम्स ड्यू टू प्रजेंस ऑफ विच गैस तो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड में जो कलर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रजेंस की वजह से तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से कौन सा कलर आता है इसमें येलो कलर आता है ये याद रखिएगा नेक्स्ट है इनमें से किस गैस का इस्तेमाल फल मनसूहि तरीके से पक्का बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कौन सा गैस फूड्स को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है तो आप जानते होंगे एसिटिलीन गैस फूड्स को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको हम इथाइन भी बोलते हैं जिसका फार्मूला होता है सी टू एच टू नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का कीमियाई यानी केमिकल नाम क्या है यानी केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला जो होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है एन ए एच सी ओ थ्री नेक्स्ट है खुश्क सेल के एनोड में क्या होता है यानी ड्राई सेल के एनोड पे क्या होता है तो ड्राई सेल के एनोड पे जिंक होता है एंड कैथोड पे होता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल कार्बन डॉट तो यहाँ पे पूछा है नोट ड्राई सेल पे क्या होगा जिंक का होगा नेक्स्ट है मंदरजा जेल एलिमेंट में से किस एक एलिमेंट का मकदार ज़मीन की बनावट में ज़्यादा पाया जाता है यानी विच एलिमेंट इज़ फाउंड मोर इन द अर्थ क्रस्ट तो क्या हो जाएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन इसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एलमिनियम है उसके बाद क्या है फ्लोरीन है ये याद रखिएगा नेक्स्ट है इनमें से कौन अज़ा एक एटम के न्यूक्लियस में बुनियादी अज्जा के तौर पर पाया जाता है यानी एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है तो आप जानते होंगे एटम के न्यूक्लियस में हम क्या रखते हैं न्यूट्रॉन प्लस पोटोन को रखते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते होंगे तो ये रखते होंगे तो क्या हो जाएगा पोटोन एंड न्यूट्रॉन तो ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव है तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा यूरेनियम क्या है रेडियो एक्टिव है थोरियम भी रेडियो एक्टिव है प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव है तो जरकोनीम होगा नॉन रेडियो एक्टिव नेक्स्ट है डैश आयरन की ख़ालि सूरत है खालि सूरत कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म को यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है लॉट आयरन को कहते हैं तो आप जानते होंगे जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो वो क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है नेक्स्ट है इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में अक्सर बिस्तर इस्तेमाल किया जाने वाला मादा यानी सब्सटेंस है यानी इन द इनफ्लोरोसेंट ट्यूब्स द मिक्सचर ऑफ सफ्टानस इज़ तो आप जानते होंगे इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में जो सफ्टांस का मिक्सचर होता है वो मरकरी वेपर एंड ऑर्गन है तो ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट है बॉक्साइट कौन से मेटल की एलवाई कहलाता है यानी बॉक्साइट इज ए एलवाई ऑफ विच मेटल तो आप जानते होंगे बॉक्साइट कोरान्डम क्रायोलाइट ये किसका होता है एलवाए एलुमिनियम का होता है तो क्या हो जाएगा एलमिनियम नेक्स्ट है यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप एटॉमिक रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है यानी विच आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर तो एटॉमिक रिएक्टर में यूरेनियम का टू थर्टी फाइव आइसोटॉप यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट है गन पाउडर किस चीज़ का मरक्ब होता है यानी गन पाउडर इज़ मेड अप ऑफ विच कंपाउंड तो आप जानते होंगे गन पाउडर जो बना होता है पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल का बना होता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट है स्प्रीन क्या है यानी वाट इज स्प्रीन तो आप जानते होंगे स्प्रीन का केमिकल नेम क्या होता है एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड इसका यूज़ कहाँ करते हैं मेडिसिन के तौर पर करते हैं स्प्रीन का यूज़ करने से पेन या फीवर रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर पे पेज गीला है ये पसीने से गीला है आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ कि बहुत गर्मी में हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ता है मगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी चैनल से जोड़िए नेक्स्ट है मंदरजा जेल में से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनीटिव है यानी विच एलिमेंट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनीटिव तो आप जानते होंगे आप ऐसे याद रख के फ़ोन कॉल यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा फ्लोरीन का फोर होता है ऑक्सीजन कितना होता है थ्री पॉइंट फाइव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन कितना होता है एंड क्लोरीन का कितना होता है टू पॉइंट एट होता है नेक्स्ट है बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है यानी विच गैस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट मेल्टिंग ऑफ आइस तो क्या हो जाएगा जेलाटीन हम इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए नेक्स्ट है पानी में मौजूद मुस्तकिल हार्डनेस डैस की मौजूदगी की वजह से पाई जाती है यानी परमानेंट हार्डनेस फाउंड इन वाटर ड्यू टू परजेंस ऑफ तो आप जानते होंगे परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आता है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन है बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं आता है सिर्फ आता है किसके वजह से क्लोराइड या सल्फेट की वजह से तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है यह हो सकता है नेक्स्ट है क्लोरीन एटम का एक मोल कितने एटम पर मुस्तमिल होता है यानी क्लोरीन के एक मोल में कितने एटम होंगे तो आप जानते होंगे वन मोल इक्वल टू तो कितना होता है सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम मोलिक्यूल या आयन तो क्लोरीन के एक मोल में हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है सॉलवेंट निकालने के अम्ल को एक इक्लिवेरियम प्रोसेस कहा जाता है जिसको डैश से कंट्रोल किया जाता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है टू थाउजेंड सेवेंटीन में भी पूछा गया था यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज़ एन इक्वेरियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कंट्रोल जो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से किया जाता है नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस के फोर्टीन ग्राम में मोलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन फोर्टीन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो, गैस तो आपको कभी भी नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ आयन्स निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स तो नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालेंगे गिवेन मास बाई मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा एन टू है ट्वेंटी एट हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ मोल क्या आ जाएगा गिवेन मास बाई मोलिकुलर मास यानी फोर्टीन बाई ट्वेंटी एट तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल कितना आ जाएगा वन बाई टू तो आप जानते होंगे अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वन मोल में क्या होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम मोलिक्यूल या आयन जो आपको निकालना है वो लेंगे यहाँ पे क्या निकालना है मोलिक्यूल तो यहाँ से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री यानी डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा तो इसका मोलर मास आप सब जानते होंगे कितना होता है वन एट्टी होता है तो क्या हो जाएगा वन एट्टी मोल हो जाएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के हंड्रेड ग्राम का इस्तेमाल करते हुए कॉपर की कितनी तादाद हासिल की जा सकती है यानी हाउ मनी कॉपर्स ऑप्टेंड फ्राम हंड्रेड ग्राम ऑफ कॉपर सल्फ़ेट तो हंड्रेड ग्राम कॉपर सल्फ़ेट से हमें कितने कॉपर मिल सकते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे कॉपर सल्फेट का मास आप जानते होंगे कितना होता है वन फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम तो क्या हो जाएगा वन फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम कंटेन्स सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ कापर तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे वन फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ कापर देन वन ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू क्या हो जाएगा वन फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम तो हमें कितने में निकालना है हंड्रेड ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट तो क्या करेंगे हंड्रेड से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा थर्टी नाइन पॉइंट एट वन ग्राम ऑफ कॉपर तो कितना हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट है मंदरजा जेल में से कौन सा बयान बोर मॉडल ऑफ एटम की मुखालफत करता है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोज़ द बोर मॉडल ऑफ एटम तो बोर मॉडल ऑफ एटम को अपोज करने वाला कौन है हिन्स बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्योंकि बोर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक फिक्स पोजीशन पे होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फिक्स पाथ पे क्या है? करता है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस लेकिन हाइजेंस बर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा सर्टेन पोजीशन पे नहीं होगा फ्रॉम ए न्यूक्लियस तो इसीलिए हाइजन्सबर्ग बोर मॉडल ऑफ एटम का अपोज करता है ये भी रिपीटेड है यह भी रिपीटेड है सो स्टूडेंट वी स्टॉप हेयर द रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप इट विल बी हेल्प यू इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई टू रिप्लाई योर एंसर थैंक्स फॉर वॉचिंग